जहाँ पर बहुत सी ऐतिहासिक धरोहरों को संजो कर रखा गया है, जिसमें पाषाण प्रतिमाएं, शिलालेख, चित्र और विभिन्न प्रकार की कलात्मक हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम हैं जोधपुर के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक मंडोर गार्डन में, जिसे मंडोर बाग के नाम से भी जाना जाता है। मंडोर गार्डन राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में स्थित है और यह गार्डन जोधपुर रेलवे स्टेशन से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंडोर गार्डन जोधपुर का एक ऐतिहासिक स्थान है और मारवाड़ की प्राचीन राजधानी के इस गार्डन में बहुत से भव्य और खूबसूरत स्मारक बने हुए हैं, जिसमें अजीत पोल, देवताओं की साल, वीरों का दालान, मंदिर, जनाना महल, बावड़ी, एक थंबा महल और जोधपुर के विभिन्न महाराजाओं के स्मारक बने हैं, जो इस खूबसूरत उद्यान के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। उद्यान में बनी जटिल नक्काशीदार इमारतों का निर्माण कार्य सन 1714 से 1749 ईस्वी के बीच जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह जी व उनके पुत्र महाराजा अभय सिंह जी के शासनकाल में किए गए थे। उसके बाद जोधपुर के अनेक राजाओं ने इस उद्यान की मरम्मत करवाकर इसे आधुनिक ढंग से सजाया और इसका विस्तार करवाया। इन स्मारकों के पास ही एक फव्वारों से सुसज्जित नहर बनी हुई है, जो नागादड़ी से शुरू होकर उद्यान के मुख्य दरवाजे तक आती है। यहाँ पर सुंदर फव्वारों के पास खिले कमल के फूल और फूलों से लदे पेड़ इस गार्डन को बहुत ही अद्भुत नज़ारा प्रदान करते हैं। मंडोर उद्यान में स्थित जनाना महल को वर्तमान समय में राजस्थान के पुरातत्व विभाग ने एक सुंदर संग्रहालय बना रखा है, जहाँ पर बहुत सी ऐतिहासिक धरोहरों को संजो कर रखा गया है, जिसमें पाषाण प्रतिमाएं, शिलालेख, चित्र और विभिन्न प्रकार की कलात्मक सामग्री प्रदर्शित है। यह उद्यान अपने आकर्षक बगीचों और ऐतिहासिक धरोहरों के कारण जोधपुर का प्रमुख पिकनिक स्थल बन गया है और इस उद्यान के सुंदर नज़ारे को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। इस पूरे उद्यान में घूमने के लिए 2 से 4 घंटे का समय लगता है। मंडोर गार्डन में हर शुक्रवार से रविवार की शाम 6:30 बजे से 8 बजे तक एक लाइट शो होता है। सर्दियों का मौसम इस शहर की यात्रा करने के लिए एक अनुकूल समय है। मंडोर उद्यान में घूमने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक होता है। मंडोर उद्यान पर्यटकों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहता है और यहां पर जाने के लिए 10 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क लिया जाता है। लेकिन अगर आप मंडोर गार्डन के संग्रहालय में घूमना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 50 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।